महंगाई का एक बोझ और जनता की जेब पर पड़ चुका है। जी हाँ, दूध आज की डेट में हर घर की ज़रूरत बना हुआ है, तो वहीं दूध के दामों में एक बार फिर से 2 रुपये का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, बुधवार को जो लोग दूध खरीदने पहुँचे तो उनको 2 रुपये महंगा दूध मिला। जी हाँ, किलो पर 2 रुपये के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए। ख़ास तौर पर बात की जाए, अमूल दूध और मदर डेयरी ने अपने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट बढ़ा दिए हैं। जो लोग दूध खरीदने पहुँचे उनको महंगाई का एक और सामना करना पड़ा। आपको बता दें, इससे पहले मदर डेयरी ने एक बार पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़े थे तब उस समय भी दूध के रेट बढ़ाए थे, और वहीं एक बार फिर से अब दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। 2 रुपये प्रति किलो दूध जो है वो महंगा कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक बोझ और पड़ गया है। राजधानी दिल्ली के लोग बढ़े हुए दामों पर क्या कहते हैं, आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि किस तरीके से जब दाम बढ़ गए तो उससे उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। वहीं लगातार जो जिस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, चाहे अगर खाने पीने की चीज़ों की अगर बात करी जाए तो पनीर, दूध, दही, इन पर GST भी लगाई गई है। वहीं जिस तरीके से जो दूध है वो एक बार फिर से महंगा कर दिया गया है, जिससे कि आम आदमी का अब जो बजट है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आरसो न्यूज़ को आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबर मिलती है। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश जी, आज दूध पर रेट बढ़ाए गए हैं, कितना इससे फर्क पड़ेगा दूध आपकी जेब पर, और क्या कहेंगे इस बारे? जेब पे तो सर बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। दूध पे महंगाई कर दी गई है, और शराब इतनी सस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दूध महंगा और शराब सस्ती है। आने वाले टाइम में अपने बच्चों को हम दूध ना पिला करके शराब पिलाएं, इसका मतलब ये है। क्या करें, मजबूरी है। कितना बजट बिगड़ेगा, सारे बजट बिगड़ जाएगा। मजदूरी करने वाले आदमी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, दो तो मजबूरी है लेना, क्या कर सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, आप ये दूध सेल करते हैं मदर डेयरी और अमूल वगैरह का, हाँ जी, तो कितने पैसे बढ़ गए और क्या आपको लग रहा है सेल घटेगी बढ़ेगी, क्या कहेंगे? पहले 59 रुपये कीमत थी, अब आज से 2 रुपये बढ़ने, 2 रुपये किलो बढ़ने, 61 रुपये कीमत हो गई है। 61 रुपये हो गई, हाँ जी। 2 रुपये बढ़ गए, हाँ जी। कौन कौन से दूध पे बढ़ेंगे? ये अमूल के सभी ब्रांड पे बढ़ गए हैं। अच्छा। अमूल का जो अमूल का गोल्ड आता है, अमूल का ताज़ा मिल्क आता है, अमूल का डायमंड मिल्क आता है, सब अमूल का काओ मिल्क आता है, सब पे 2 रुपये किलो पे बढ़ गए हैं। तो अब क्या रेट है और पहले क्या रेट था? पहले 59 रुपये किलो था, अब 61 रुपये किलो हो गया है, और जो पहले 49 रुपये किलो था वो 51 रुपये किलो हो गया है। और मदर डेयरी का भी रेट बढ़ा? हाँ जी, उस पर भी 2 रुपये किलो पे रेट बढ़ गया है। इसका क्या रेट है? वो भी पहले 59 का था 1 किलो का, अब वो भी 61 रुपये का हो गया 1 किलो। क्या लग रहा है आपको, सेल घटेगी बढ़ेगी, आपकी क्या होगा? सर ये तो जरूरत की आइटम है, जो लोगों को, बच्चों को, बड़ों को जो दूध पिलाना हो तो पिलाएंगे ही सर। वो जी, कितना दूध लिया आपने अभी? 5 किलो। कौन सी कंपनी का ये? अमूल का है जी। तो कितना महंगा हुआ है दूध, क्या कहेंगे? पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है? पहले 59 था, अब 61 है, 61 रुपये किलो। कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब पर महंगाई? और 10 रुपये रोजाना, तो इसका मतलब 300 रुपये महीना गया, रोजाना बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, गैस बढ़ती जा रही है, डीजल बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, दालें बढ़ती जा रही हैं। दूध तो सबसे बड़ी ज़रूरत है घर की, क्योंकि बच्चे बिना दूध के रह नहीं सकते, छोटे बच्चों को दूध तो रोज़ चाहिए चाहिए। ये तो रोज़ाना का मतलब 10 रुपये के हिसाब से 300 रुपये बढ़ेगा, बटन बढ़ेगा। क्या कहेंगे, गलत है, सही है? गलत है जी, महंगाई रोज़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।